को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी को लेकर आज संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने देश भर में NRC लागू किए जाने को लेकर कहा कि ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। अमित शाह नरेंद्र मोदी खुद घुसपैठिए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि NRC की वजह से देश भर में लोग डरे हुए हैं। अधीर रंजन ने BJP को मुसलमानों का दुश्मन बताया। बिजनेसमैन राहुल बजाज के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि राहुल बजाज ने जिन मुद्दों को उठाया उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया। सवाल हो, आलोचना हो, सबको सुना जाता है, उनका जवाब दिया जाता है। बिजनेसमैन राहुल बजाज को जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने लिखा कि अपनी धारणा फैलाने की जगह जवाब पाने के और भी बेहतर तरीके हैं। ऐसी बातों से राष्ट्रीय हित पर चोट लग सकती है। एक कार्यक्रम के दौरान बिजनेसमैन राहुल बजाज ने गृह मंत्री अमित शाह से कई तीखे सवाल किए थे। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अमीरों की तुलना सड़े आलू की बोरी से की है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो ही नहीं हो रहा है जो दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। भारत में अभी भी गरीबी है, बेरोजगारी है, शहरों में बैग लटकाए हजारों लड़के रोजी रोटी की तलाश में भटकते दिख जाएंगे, उनको हम कोई बढ़िया नौकरी की गारंटी नहीं कर सकते। हथियार रखने को लेकर 60 साल पुराना कानून आज संसद में बदल सकता है। लोकसभा में आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन वाले बिल के पास होने में सरकार के सामने कोई रुकावट नहीं है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध हथियारों पर रोक लगेगी। बिल के पास होने के बाद कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा फायर आर्म्स नहीं रख सकेगा। तीसरी बंदूक या पिस्तौल 90 दिन में जमा करनी होगी और अवैध हथियार रखने पर पहले से कड़ी सजा दी जाएगी। अभी आर्म्स एक्ट में 3 बंदूक पिस्तौल रखने की छूट है। जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन करने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने पुंछ में मोर्टार दागे। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की। इस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारी घायल हो गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। महा विकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे ने 2 या 3 दिन में फैसले की उम्मीद जताई। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सरकार में शिवसेना, NCP के अलावा कांग्रेस भी शामिल होगी। इससे पहले विधान भवन में हुए फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे सरकार को 169 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि बहुमत साबित करने के लिए जादुई आंकड़ा 145 है। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी के सरकार में आते ही NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने भीमा कोरेगांव मामले का मुद्दा उठाया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि जिन दलित संगठनों और दलित लोगों पर केस दर्ज हुए उन पर से मामले को हटाया जाए। NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए सरकार से गुहार लगाई कि जिस तरह से आरे पेड़ कटाई मामले में आंदोलनकर्ताओं को छोड़ दिया गया, उसी तरह भीमा कोरेगांव मामले में दर्ज झूठे केस वापस लें। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे चक्रधरपुर और दोपहर 12 बजे बहरागोड़ा में अमित शाह की चुनावी सभा होगी। सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं एक चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग हमारे वादे का मजाक उड़ाया करते थे वो अब देख लें, अब वहां भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने प्रचार की कमान संभाली। आज झारखंड के सिमडेगा में रैली करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में प्रचार करने के लिए आज 12 बजे रांची पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से सिमडेगा जाएंगे। राहुल गांधी 2 बजे बाजार टांड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में सोनिया गांधी से राहुल तक के जिंदाबाद के नारे तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के जिंदाबाद का नारा लगा तो मंच पर बैठे नेताओं के साथ साथ जनसभा में मौजूद भीड़ भी हैरान रह गई। कांग्रेस को इस वाक्य पर शर्मसार होना पड़ा। प्रियंका गांधी की जगह प्रियंका चोपड़ा के नारे तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी BJP सरकार को हटाने के लिए फिर JDS के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक में BJP को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद फिर से JDS से हाथ मिला सकती है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव वेणुगोपाल ने संकेत दिए हैं कि BJP को उपचुनाव में 6 सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस JDS के साथ हाथ मिलाकर फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। JDS इस तरह के संकेत पहले ही दे चुकी है। उपचुनाव में 3 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और कत्ल के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। सीएम दफ्तर की तरफ से जानकारी दी गई है कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आरोपियों से जल्द पूछताछ की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सीएम ने मामले से निपटने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी फैसला किया है। हैदराबाद गैंगरेप पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि पुरुषों के इस बारे में शिक्षित किए जाने की जरूरत है कि महिलाओं से कैसे पेश आना है। दिल्ली में आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सरकार कानून बनाती है जिसे ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। पुरुषों को इस बारे में बताए जाने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करना है। इसकी शुरुआत परिवार से की जानी चाहिए। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर की गैंग रेप के बाद हत्या से पूरे देश में गम का माहौल है। यूपी के प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में डॉक्टर प्रियंका की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में हिंदू मुस्लिम समेत कई धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर भगवान से प्रार्थना की। हवन पूजा और सुंदरकांड में लोगों ने डॉक्टर प्रियंका के हथियारों को कड़ी सजा देने की गुहार भी लगाई है। देश में महिलाओं के साथ हुई हवानियत से पूरे देश में आक्रोश है। रविवार रात को दिल्ली में जनता का आक्रोश सड़क पर नजर आया। दिल्ली में रेप पीड़ित परिवारों ने अस्थि कलश यात्रा निकाल कर प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी सजा और न्याय देने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेने की धमकी दी तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से कहा कि हमें पकड़ सकते हो लेकिन आरोपियों को नहीं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की। यूपी के संभल में रेप के बाद जिंदा जलाई गई नाबालिग का शव दिल्ली से संभल पहुंचा। शव यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। शव यात्रा के दौरान 5 स्थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। शव यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। जल्द अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। 21 नवंबर को पड़ोस में रहने वाले युवक ने युवती के साथ रेप किया और फिर आग के हवाले कर दिया था जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा था। यूपी के संभल में नाबालिग के साथ रेप के बाद जिंदा जलाए जाने पर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने श्रद्धांजलि देकर बेटियों की सुरक्षा की शपथ ली। संभल के लोगों ने हैदराबाद में डॉक्टर महिला और नाबालिग लड़की से रेप और उनकी हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। यूपी के बरेली में बजरंग दल ने कैंडल मार्च निकालकर हैदराबाद में महिला के साथ हुई वारदात पर नाराजगी जताई। बजरंग दल के समर्थकों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। दरअसल हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ रेप करके बेरहमी से जलाकर मार डाला गया था जिसके बाद पूरे देश में आरोपियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में एक दोषी की याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। गैंगरेप मामले में दोषी ने दया याचिका के लिए आवेदन किया था। इसके बाद निर्भया कांड के एक दोषी के दायर दया याचिका खारिज करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां दूसरों को इस तरह के अत्याचार करने वाले अपराधों से बचने के लिए दंड दिया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। बढ़ी हुई फीस पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का फीस वापसी को लेकर हड़ताल पर 33 दिन हो गए हैं लेकिन छात्र फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक बार फीस रिवाइज के बावजूद जेएनयू छात्र संघ पूरे रोल बैक की मांग पर अड़ा है और फीस रोल बैक नहीं होने पर हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं से पैसे लेने पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सेवा केंद्र में श्रद्धालुओं से पैसा नहीं वसूला जा रहा है। अगर कोई फीस देने को कहता है तो उसकी शिकायत सीधे उनके पास करें। सीएम सेवा केंद्र में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई करने वाले श्रद्धालुओं से फीस वसूलने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने 10वीं के छात्रों के लिए मॉडल बुक तैयार की है। उसमें बड़ी गलती सामने आई है। टेस्ट पेपर में गांधी का अनुसरण करने वालों को कुबुद्धि लिखा गया है। इस मॉडल का इस्तेमाल पिछले कई महीनों से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मॉडल की जिस लाइन पर विवाद है उसका अर्थ है कुबुद्धि बेहद अवगुणी और शराबी था और गांधी जी जैसा जीवन जीता था। फिलहाल मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अफसरों का दावा है कि ये प्रिंटिंग में हुई गलती का नतीजा है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के मॉडल बुक पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस वाले गांधी जी का अपमान कर नेहरू को महिमा मंडित करना चाहते हैं। इस मामले में अधिकारी और स्कूल शिक्षा मंत्री दोनों को हटा देना चाहिए। जबकि इस मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि वो इस मामले में जांच करवाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आम्रपाली मामले में निवेशकों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि घर खरीदने के पैसे को डाइवर्ट किए जाने से जिन लोगों को इसका फायदा हुआ है
उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि वे ऐसे लोगों से एक एक कर डील करेंगे और अगर उन्होंने घर खरीदारों के पैसे वापस नहीं किए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और दूसरे विभागों को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई उपाय भी सुझाए थे। अगस्ता वेस्टलैंड के प्रवर्तन निदेशालय मामले में आरोपी रतुल पुरी की नियमित जमानत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि पुरी अगस्ता वेस्टलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। 8 नवंबर को ईडी ने पुरी पर 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी चॉपर घोटाले में आरोपी राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप लगाया था। ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि पुरी ने सक्सेना को अपने पिता और चाचा के खिलाफ साक्ष्यों को साझा न करने के लिए दबाव बनाया था। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव सहित दूसरे आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे रखी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटी के 2 होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था। इसमें वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल 2016 में बीजेपी सांसद रमेश भुधुड़ी मानहानि का मामला दर्ज कराया है, जिसमें अदालत से केजरीवाल को समन जारी भी हो चुका है। दिल्ली की टैक्सी यूनियंस टैक्सी किराए में बढ़ोतरी और दूसरी मांगों के समर्थन में आज प्रदर्शन और पैदल मार्च निकालेंगे। इस प्रदर्शन में दिल्ली की एक दर्जन से अधिक टैक्सी यूनियंस के ड्राइवर शामिल होंगे। प्रदर्शन के दौरान चालक माता सुंदरी गुरुद्वारे दिल्ली सचिवालय तक पैदल मार्च भी निकालेंगे। टैक्सी यूनियंस की मांग है कि 2017 में बनी टैक्सी पॉलिसी तुरंत लागू हो। एमसीडी का टोल टैक्स दिल्ली नंबर की टैक्सियों पर ना लगे। इस बीच सड़कों पर आम लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम में लूट कर बदमाश फरार हो गए। 3 बदमाश पिस्टल, चाकू और लोहे की रॉड लेकर शोरूम में घुस गए। बदमाश ग्राहकों को हथियारों से डरा धमका कर जाने का इशारा करते हैं और फिर बेखौफ होकर बदमाश लूटपाट करते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। 4 दिसंबर से शिक्षक संघ की हड़ताल है। टीचर्स भर्ती के खिलाफ नाराज हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का फैसला करीब 5,000 टीचर्स को प्रभावित करेगा। डीओटीए सदस्य मूल्यांकन, चालान शुल्क और दूसरे अधिकार कार्यों का बहिष्कार करेंगे। सस्ती कॉल और मुफ्त के डाटा का दौर खत्म होने जा रहा है। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो के ग्राहकों की जेबों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। रिलायंस जियो ने मोबाइल सेवाओं की दरें 6 दिसंबर से 40% तक बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि वो इसके बदले ग्राहकों को 300% तक अधिक फायदे भी देगी। वहीं वोडाफोन आइडिया ने रविवार को अपनी सेवाओं की नई दरें घोषित की, जिनके तहत 3 दिसंबर से उनके विभिन्न कॉल और डाटा प्लान पर 42% तक महंगे हो जाएंगे। एयरटेल भी दिसंबर के बाद से अपनी सेवाएं महंगी करने वाली है। देश में प्याज के दाम को लेकर हाहाकार मचा है। खुले बाजार में प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। सरकारी आंकड़ों की भी माने तो दिल्ली में प्याज 76 रुपए जबकि मुंबई में 82 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्याज की सप्लाई का काफी कम होना। सप्लाई की इसी कमी को दूर करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 11,000 मीट्रिक टन प्याज आयात करने का फैसला किया है। मिस्र के बाद अब तुर्की से भी प्याज का आयात किया जाएगा। प्याज का ये स्टॉक 20 दिसंबर के बाद भारत पहुंचने लगेगा, जिसके बाद इसे घरेलू बाजार में बेचा जा सकेगा। यानी प्याज की महंगाई से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बीएसएफ प्यासी स्कूली बच्चों को आज भारत दर्शन करवाएगी, ताकि बच्चे भी देश के बारे में जान सकें और बड़े शहरों के बच्चों की तरह विकास की चाहत लेकर आगे बढ़ सकें। भारत दर्शन को लेकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि एक युवक की बाल बाल जान बच गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही हादसे के बाद इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बालू से लदे ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। नाराज प्रदर्शनकारियों ने 60 ट्रकों में आग लगा दी। इससे पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। विनीत जायसवाल एसपी शामली बनाए गए। विनीत जायसवाल नोएडा में एसपी सिटी थे। वही अजय कुमार मैनपुरी एसपी बनाए गए। अजय कुमार शामली के एसपी थे।
जबकि एसपी मेनपुरी को डीजीपी ऑफिस से जोड़ा गया है। उत्तराखंड के खटीमा में बुलेट और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बाइक को बचाने में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। युवक पत्नी और बच्ची के साथ किसी शादी में शामिल होने जा रहा था कि रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। यूपी के सहारनपुर में दूल्हा दुल्हन की कार को रास्ते में रोककर बदमाशों ने मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रेलवे क्रॉसिंग के करीब 3 युवकों ने उसकी बेटी और साथियों की पिटाई की और फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन पुलिस के रवैये से पीड़ित परिवार परेशान है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ने उसे इंसाफ नहीं दिया तो वह आत्मदाह को मजबूर होगा। उत्तर पूर्वी मानसून के चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों और पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई। आज भी भारी बारिश की आशंका देखते हुए पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी की मुख्य कार्यकारियों की समिति की बैठक के लिए बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है। एडिलेड टेस्ट में पाकिस्तान के यासिर शाह के शतकीय पारी के बावजूद पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट मैच के तीसरे दिन लगातार दूसरी बार पारी की हार के कगार पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 589 रन बनाकर घोषित कर दी थी। एडिलेड टेस्ट में पाकिस्तान की गेंदबाजी पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को अब तक का सबसे खराब बताया। भारतीय शटलर सौरभ वर्मा का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार सफर रविवार को खत्म हो गया। सौरभ वर्मा को चीनी ताइपे के वांग जू वेई ने सीधे सेटों से हरा दिया। माल्टा में एक पत्रकार की हत्या के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और माल्टा के पीएम जोसेफ मस्कट से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में पत्रकार के परिवार भी शामिल हुए। चीन के उत्तर के इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हुई, जिसमें लोगों का जनजीवन ठप हो गया और लोगों को आने जाने में असुविधा हुई। मौसम विभाग की माने तो चीन में बर्फ प्रभावित इलाके में 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बर्फ पड़ गई है। अमेरिका के लुइसियाना में रविवार सुबह अज्ञात हमलावर ने 11 लोगों को गोलियों से भून दिया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना न्यू ऑर्लियंस के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल फ्रेंच क्वार्टर के बाहर हुई। फिल्म कुली नंबर 1 के रीमेक में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और सारा अली खान लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म में जावेद जाफरी भी नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत का गाना आज रिलीज होगा। फिल्म का अगला गाना सपना है सच है। फिल्म के लीड एक्टर अर्जुन कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस रोमांटिक गाने की जानकारी दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और दिग्गज एक्ट्रेस करीना कपूर जल्द ही फिल्म गुड न्यूज में सिंगर दिलजीत दोसांझ और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का सॉन्ग हेलो जी का डांस स्टेप्स काफी मशहूर हो रहा है। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपने फैंस को डांस करना सिखा रही हैं। सनी लियोनी का ये डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।